आम तौर पर देखने को मिलता है कि लोग जो पुराने वाहनों की खरीद बेच करते हैं तो गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति नियमों की परवाह किए बिना खरीदे हुए वाहन अपने नाम नहीं करवाते। सैकेंड हैंड गाड़ी लोग खरीद तो लेंगे ने पर नियमों तहत उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के गाड़ी अपने नाम नहीं करवाते। लुधियाना पुलिस कमिश्नर सुखचैन गिल वालों सोमवार को बयान जारी किया गया है जिस उन्होंने कहा लुधियाना शहर में वध रहे क्राइम और जुर्म वरतिया जाने वाली गड्डिया पुराने मालिक के नाम ही दर्ज ने जिस कारण गड्डिया ट्रेस करने में दिक्कत आती है। सैकेंड हैंड गड्डिया खरीदने वाले व्यक्ति कानून अनुसार गड्डी अपने नाम नहीं करवाते। गिल ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा और सहूलत को मुख रखद्या जाबता फौजदारी संघता 1973 की धारा 144 तहत यह फैसला लिया गया है कि लोगों वालों पुराने खरीदे वाहनों की रजिस्ट्रेशन मोटर वहीकल एक्ट तहत 30 दिन के अंदर अंदर तब्दील करवाए लाए जा। गिल ने आख्या है कि 30 दिन यह काम ना होने की सूरत में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तो इलावा कमिश्नर गिल ने आख्या है कि शहर में मूँह से कपड़ा बन के गड्डी चलाने और पैदल तुरन वाले व्यक्तियों खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि मूँह से कपड़ा बन के तुरते लोगों की आड़ मुलजम भी पुलिस की गिरफ्त तो बच जाते हैं। लुधियाना तो अमरप्रीत मक्कड़ की रिपोर्ट डेली पोस्ट पंजाबी। कैनेडा SDS प्रणाली के अंदर एक साल की फीस, एक साल की GIC IELTS विच 6 बैंड हुण लाजमी कर दिते गए हैं। सो जे तुसी सितंबर SDS स्कीम तहत अप्लाई करना चाहते हो अज ही कंटैक्ट करो 92563 92563।